तो कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया, ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। जिस तरीके से पहले चरण में इंडिया अलायंस, महागठबंधन, जो भी इसके गठबंधन का नाम है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बिहार आना तक ज़रूरी नहीं समझा, वाम दलों के नेताओं ने बिहार आना तक ज़रूरी नहीं समझा, ये वो अप्रत्यक्ष झड़प है जो लंबे समय से इस गठबंधन के बीच चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो कल वहाँ पर दिखाई दी, पर ये सहजता जो किसी भी गठबंधन में होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया अलायंस में नहीं है। तेजस्वी ने कल कहा है कि लेवल प्लेइंग होगी तो 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं आएगी। लेवल प्लेइंग ही चल रहा है भाई, लेवल प्लेइंग ही चल रहा है। ऐसे में ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोग के लिए होगी।